डॉक्टर पवन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पवन यादव, चर्चा में कई बातें आई हैं, आपसे हम यहाँ ये समझना चाहेंगे। और जैसा हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु में 22 जुलाई तक लॉकडाउन है, शायद अगर मैं सही हूँ, और अगर गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि बेंगलुरु का ख़ास तौर पर क्या एक्सपीरियंस है कोविड को लेकर और तैयारियों को लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कुछ समय पहले तक ये एक प्रश्न रहता था कि अगर हमें लक्षण आए तो हम टेस्ट कहाँ कराएंगे, टेस्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा इलाज कहाँ होगा, अब क्या हम घर में रह सकते हैं या अस्पताल में रहें, क्या करें और सुविधाएं कैसी होंगी, आपका क्या एक्सपीरियंस है जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए डॉक्टर यादव। या सो इफ यू लुक एट द नेशनल फिगर्स, द रिकवरी रेट हैज बीन अराउंड 63.33%, ओके, एंड द ओवरऑल मॉर्टेलिटी रेट हैज बीन ओनली 2%. So as of now, the figure seems to be promising. As far as Bangalore is concerned, we have been seeing the increased number of cases. So pichle ek do hafte mein number of cases zyada badh raha hai. So government has brought in lot of initiations, especially for home isolation precautions. And abhi uske liye naya guidelines bhi aa gaya hai. Ji. Up to 80% of the people जिनको जो कोविड पॉजिटिव आता है उनको अगर मे बी दे विल बी एसिम्प्टोमैटिक या माइल्डली सिम्टोमैटिक रहते हैं, जिनको हम लोग घर पे ही मैनेज कर पाएंगे. तो अभी हॉस्पिटल के लिए पेशेंट्स जिसको ऑक्सीजन की मात्रा कम है, सैचुरेशन कम हो रही है, या पेशेंट्स वो एल्डरली और पीपल विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम या दूसरे कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, उनको शायद हॉस्पिटल में रहने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है. मतलब मॉडरेट या सीवियर केसेस या माइल्ड केसेस विथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन होम द कोरोना कोविड कैन बिकम मोर सीवियर एंड द मॉर्टेलिटी कैन बी वेरी हाई. सो यहाँ पे ट्रायजिंग का जब बात होती है, सो पेशेंट्स व्हेन दे बिकम कोविड पॉजिटिव दे हैव लॉट ऑफ दिस डाउट्स एज टू कि करना क्या है हमको. सो वी हैव टू reiterate this fact that 80% of the patients will have asymptomatic or mild cases who recover without much of issues, especially people who are young and healthy can stay at home while following all the precautions and home isolation precautions. Yahan pe Bangalore mein we have a BBMP, which is the government organization which is taking care of this in a very phased and proper manner. So they will ghar pe jaake visit karenge, वहाँ पे होम आइसोलेशन का क्या फैसिलिटीज हो सकती है, वहाँ पे उसको प्रॉपरली फॉलो कर सकती है कि नहीं, उसको असेस करेंगे, उसके बाद उनको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, अगर वो वहाँ पे एलिजिबल है तो उसको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करेंगे, उसके बाद उसको रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 17 डेज उनका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन, टेम्परेचर, ऑल दिस थिंग्स रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा. अगर उसके इन टाइम में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गया, हॉस्पिटल में आने का जरूरत पड़ेगा तो हॉस्पिटल में डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिकवर एट होम इटसेल्फ. अगर ऐसे होम आइसोलेशन जिसको हम लोग एडवाइस करते हैं वेदर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ओके, इफ दे कैन नॉट, अगर घर पे आइसोलेट नहीं कर पाएंगे तो उनको हम लोग कोविड केयर सेंटर है, अभी गवर्नमेंट का भी है कि प्राइवेट का भी है यहाँ पे कर्नाटका में, तो वहाँ पे कोविड केयर सेंटर में इनको हम लोग भर्ती करवाएंगे, तो वहां पे उनको मॉनिटर किया जा सकता है और वहां से अगर कोई दिक्कत हुआ, ऑक्सीजन मात्रा कम हुआ तो हॉस्पिटल में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं. डॉक्टर यादव, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने होम आइसोलेशन की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अगर कोई व्यक्ति जब पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव होने के बाद क्या ये चॉइस उसकी होती है कि वो होम आइसोलेट होगा या अथॉरिटीज की होती है या ये म्यूचुअली डिसाइडेड होती है, किस तरह से तय होता है कि किसको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा? सो अभी जैसे नंबर्स बढ़ता जाएगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल विल नॉट बी द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, बिकॉज़ द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ नर्सेस एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द हॉस्पिटल, दिस नंबर इज गोइंग टू बी लिमिटेड. इनका मात्रा तो हम लोग तुरंत बढ़ा नहीं पाएंगे, है ना, हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा. सो ये रिसोर्सेस जो है हमारे पास लिमिटेड रहेगा, तो इसके लिए जिनको इसका एब्सोल्युटली जरूरत है, हॉस्पिटल में आने का जरूरत है, जो पेशेंट सिक है, जिनको ऑक्सीजन की मात्रा कम है,
तो उनको डेफिनेटली हॉस्पिटल का बेड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ज्यादातर जो पेशेंट 80% पेशेंट जो माइल्ड प्रॉब्लम्स है या सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स सिम्टम्स रहेगा तो उनको घर पे मैनेज करना पड़ेगा। सो इनिशियली यहाँ पे जिसका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो गवर्नमेंट विल गो टू दैट, उनके घर पे जाएंगे, उनको असेस करेंगे वहीं पे। उसके बाद गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी स्ट्रिक्टली। सो उनको उनके पास रियल टाइम डेटा है कि कौन सी हॉस्पिटल में कितने बेड्स है, कौन सी कोविड के सेंटर में कितने बेड्स है। सो दे हैव ऑल दिस लाइव डेटा विद देम। सो वो लोग डिसाइड करेंगे कि इनको घर पे रखना है कि कोविड केयर सेंटर में भेजना है या कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भेजना है। सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग दोस कॉल्स इन जी मोस्ट ऑफ केसेस फॉर सेक्टर। जी बिल्कुल डॉक्टर यादव, आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि सभी को अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, और सबको ये बात भी समझनी है कि जी अगर, और दुनिया भर से ये स्टडीज़ के ज़रिए ये बात सामने आ रही है कि जो सावधानियां बताई गई हैं अगर हम सब बरतें तो फिर हमको कोरोना नहीं परेशान कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सावधानियां वैसे तो बड़ी मामूली दिखती हैं लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा है।